नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 यानी कि अगस्त अभी होने वाली परीक्षा सामाजिक विज्ञान इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। इससे पहले हम 22 सेट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको DSSP दिल्ली TGT PGT का प्रैक्टिस सेट भी मिल सके। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहले मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से आज़ाद हिंद फौज गठन सितंबर 1942 में किया। जब दिसंबर 1942 को मोहन सिंह गिरफ्तार कर लिए गए तो पहली INA का विघटन हो गया और तब दूसरी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया। रास बिहारी बोस ने INA गठन में सुभाष चंद्र बोस का सहयोग किया था। गुरु दयाल सिंह शहनवाज इंडियन नेशनल आर्मी के प्रमुख अधिकारी रहे थे उस समय। बम्बई दहेज में मिला था। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश शासन चार्ल्स सेकंड को। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, जो एक मस्जिद है। यह इमारत वास्तव में एक संस्कृत विद्यालय था जिसे सम्राट विग्रह राज ने बनवाया था। उसके ऊपरी भाग को तोड़ फोड़ कर गुम्बज और मेहराबों बना दी गई थी। खिरजवाद किस नगर का नाम था? ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़। जनवरी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर वहां के शासक राजा रतन सिंह को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ का नाम खिरजवाद रखा और उसे अपने पुत्र खिरज खां को देखकर स्वयं दिल्ली लौट आया। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे? ऑप्शन नंबर डी, भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ। चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक 4 महीनों तक हुए। सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जॉन्स 1783 में लंदन में से आए। भारत उनका भारत संस्कृति तथा दर्शन के प्रति बहुत लगाव था। इन्होंने 1787 ईस्वी में प्राचीन भारतीय गौरव को खोजने के लिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और उसके अध्यक्ष बने। विलियम जॉन्स को मालिक जॉन्स तथा फादर ऑफ द इंडोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 57 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रजेश कदर या कहें जीनत महल। निम्नलिखित में से किसने तबाकत ए अकबरी की रचना की? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नियामुद्दीन अहमद ने तबाकत ये अकबर की रचना की थी। कश्मीर श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, अशोक द्वारा। कल्लड़ के रंगड़ी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर बसाया। नेपाल में देवपत्तन या देवपाटन नामक नगर की स्थापना की थी। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? तो आप जानते हैं कि ये अशोक ने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। त्रिपुर सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 गठन किया, जिसका उद्देश्य साम्राज्य विरोधी तथा प्रगतिशील तत्वों को सरकार के विरुद्ध एकत्रित कर भारत को स्वतंत्र कराना था। निम्नलिखित में से कौन मुरक्का ए देहली का लेखक था?
तो ये गुलाम हुसैन तनातवाई अर्थशास्त्र पुस्तक है जिसका संबंध राजनीति शास्त्र से है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य प्रधानमंत्री था जो चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। वो राजनीति शास्त्र का प्रखंड पंडित था और उसने शासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट आपको यहाँ मेल करना है अनुशीलन समिति, तो ये बरिंद कुमार घोष, अभिनव भारत, बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, गदर पार्टी, लाला हरदयाल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, तो ये भगत सिंह। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए खोला। ऑप्शन नंबर सी 1578 ईस्वी में। अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी 1575 ईस्वी में। अकबर ने मनसब प्रथा के आधार पर सैनिकों को संगठित किया। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद होता है। औदा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसब व्यवस्था दसवें पढ़ाई पर आधारित थी। सुलह कुल की धारणा आधारित थी। बहुतल वजूद के सिद्धांत पर। निम्नलिखित में से किसने दाग और चेहरा या घोड़े दागने सैनिकों के बढ़ प्रथा का प्रारंभ किया था? तो आप सभी जानते हैं ये अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा का प्रचलन किया। इसलिए करवाया गया था कि युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को न भेज दें। इसकी रोकथाम के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की। इस कार्य देखभाल दीवाने अर्ज करता था। इसी प्रकार सैनिक अच्छे घोड़ों पर परिवर्तन न कर सके और एक ही घोड़े को बार बार निरीक्षण के लिए प्रस्तुत न किया जा सके, इसके लिए घोड़ों को दागने का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। निम्न में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? तो ये जलालुद्दीन मंगवर्नी का। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? तो आध्यात्मिक गुरु उनके रामदास थे। शिवाजी के एक संस्कृत हिंदू थे। हिंदू धर्म की उदारता की भावना को उन्होंने ठीक प्रकार समझा और अपने व्यवहार नीति में उन्होंने प्रयोग किया। समर्थ गुरु रामदास उनके आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु थे। दादाजी कौंडदेव इनके संरक्षक। एशिया माइनर से प्राप्त बोगज के अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है वे हैं इंद्र, नासित, मित्र और वरुण। निम्न में पशुओं में से कौन सा समूह मोहन जोड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। निम्न में से किस राजवंश के शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक हैं? नाम मात्र सत्तात्मक है तो सातवाहन वंश में। बंगाल के पाल शासकों के काल में जिस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था उसका नाम था? केवर्त। सियादबाद में संभावनाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी 7, जैसे स्यात अस्ति, स्यात नास्ति, स्यात अस्ति नास्ति, स्यात अविक्यम, स्यात अस्ति अविक्यम, इस तरह से 7 होती हैं। पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख है? इसमें गज सेना का उल्लेख किया गया है। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अब जानते हैं कई बार कुछ पूछा गया दादा भाई नरोजी कौन सा धर्म तीर्थ में विश्वास करता है? तीर्थन जो विश्वास करता है वो है आपका जैन धर्म। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इसको
तृतीय संज्ञा दी गई है। गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? ये आपको तमिलनाडु के मंदिरों में मिल जाएगी। कर्नाटक युद्ध हुए थे ये अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में ये युद्ध हुआ। गांधी द्वारा आरंभ किए गए निम्नलिखित आंदोलनों का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। सॉरी थोड़ा आगे बढ़ गया, सॉरी। ये है तो सबसे पहले उन्होंने किया वो आपका था चंपारण आंदोलन। ऑप्शन यहाँ से कट गया है सी। फिर खेड़ा आंदोलन, उसके बाद अहमदाबाद, फिर रॉलेट एक्ट लास्ट में आया आपका। तो ये सी, फिर बी, डी और ए। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? अवध में। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे, 13 वर्ष की आयु में घर छोड़ गाड़ कर निकल पड़े। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे इसलिए फिजी चले गए। फिजी से 1909 में लौटे तो फैजाबाद उत्तर प्रदेश चले आए और 1920 ईस्वी तक वे साधु का जीवन जीते रहे। तुलसीदास का रामचरितमानस लेकर घूमते और गाँव वालों को मानस की चौपाइयाँ सुनाते थे। 1920 के मध्य एक किसान नेता के रूप में उभरे और अवध किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की संकल्प की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में 1929। अब्दुल रज्जाक, जिसने विजयनगर राज्य की फारसी में विस्तृत विवरण लिखा है, मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में विजयनगर दरबार में आया था। देवराय सेकंड के राज्यकाल में पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है ये बनावली से। अबुल फजल की रचनाओं के नाम हैं, आप जानते हैं अकबरनामा और आईने अकबरी। बारकर संप्रदाय के प्रमुख देवता है तो ये विट्ठल स्वामी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी, 1923 में। किसने 1920 मुंबई में हुआ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता की थी? तो लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक परमेश्वर का आह्वान किया था? ये आपको आएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री नारायण गुरु ने। जाति व्यवस्था का सबसे सशक्त विरोध निचली जातियों के बीच से उभरे आंदोलनों ने किया। ज्योतिबा फूले श्री नारायण इस व्यवस्था के जबरदस्त आलोचक थे। श्री नारायण गुरु ने आह्वान किया कि मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। बाद में उनके शिष्य ने इसे सुधार दिया, मानव मात्र के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं और कोई ईश्वर नहीं। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? इस व्यवस्था का था सेना ए मंडी। महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी? उद्भांडपुर में। ये उद्भांडपुर जो है वो बहिंद में था। यहाँ आपको मैच करना है बीदर, आपका हो जाएगा अमीर अली बरीत, जो बरी शाही वंश के संस्थापक था। अहमदनगर मलिक अहमद, बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, गोलकुंडा कुलीसा कुतुब। 57 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया था? तो
वहाँ नेतृत्व प्रदान कर रहे थे वो थे आपके कुंवर सिंह। मौर्य प्रशासन में लक्षण अध्यक्ष होता था, टकसाल का अध्यक्ष। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को इकराट कहा गया। ये ऐत्रेय ब्राह्मण में की बात की गई है। मदरा एवं अन्य मात्र द्रव्यों के प्रयोग निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम था। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 47 का सी। जहांगीर ने अपने राज्याभिषेक के बाद 12 अध्यादेश जारी किए। इन्हीं 12 अध्यादेश में मादक वस्तुओं का निषेध भी था। यदि जहांगीर स्वयं शराब पीता था किंतु उसने आदेश दिया कि शराब तथा अन्य मादक वस्तुएं न तो बनाई जाएं और न बेची जाएं। कई जगह पर औरंगजेब ने भी इसको बंद करवा दिया था। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के जिस राज्य पर आक्रमण किया था वह था ये जो किया गया था वो किया गया था बीजापुर, सॉरी अहमदनगर। ऑप्शन नंबर सी बीजापुर नहीं है, अहमदनगर है। ऑप्शन नंबर सी अहमदनगर। उस समय वो चांदबीवी अपने जैसा सदस्य बनकर अहमदनगर पर शासन कर रही थी। अमीरान ए सदाह का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल में दारुल सफा होता था, दार एल सफा। सेना परेड के लिए खुला क्षेत्र। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासक को अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ये चोल वंश में ऐसा होता था। चोल कालीन शासन व्यवस्था का राजतंत्र था। चोल शासक चक्रवर्ती त्रिलोक सम्राट जैसी उच्च सम्मान परक उपलब्धि ग्रहण करते थे। चोल शासक प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो ये 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव। भोजशाला मंदिर के अष्टधात्री देवी है तो ये भगवती सरस्वती। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? लॉर्ड हस्टिंग विश्व मराठा युद्ध। अंग्रेज द्वारा रहित बड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी आंदोलन। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को संपूर्ण भारत में चलाने का कार्य तिलक लाजपत राय अरविंद घोष नेताओं ने प्रारंभ किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को इनमें से किसने मार दिया था? तो ये ऊधम सिंह ने इसको मार दिया। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए अंततः देश का विभाजन कराया था विद्वान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण कीजिए। निम्न में से कौन एक प्रकार का अमृत भांड है जो वैदिक काल से संबंधित है? गेरु बड़ी अमृत भांड। वर्ण शंकर का अर्थ है सामाजिक वर्गों का अंतिम मिश्रण। निम्न में से अपर द्वारा विवाह किसका अर्थ है? इसको राक्षस विवाह कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस सेट। अगर एक दो क्वेश्चन बाय मिस्टेक हुआ हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उसको सही किया जा सके। धन्यवाद।